हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी चार साइन की लड़की आपके साथ टाइम पास कर रही है। तो आज के वीडियो इसी टॉपिक पे हैं। दोस्तों देखो, आज के टाइम में ना किसी भी इंसान को पहचानना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना दो चेहरे लगा के घूमते हैं। अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से वो कुछ और दिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में और आप अपनी पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो या रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो आप एक लड़की को कैसे समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे सभी लड़कियों की बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए रिलेशनशिप में आती हैं। तो ऐसी लड़कियों को आप कैसे पहचान सकते हो, उसी के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो साइन है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी पार्टनर जो है आपके अलावा और लड़कों के साथ भी फ्लर्ट करना पसंद करेगी, ठीक है। आपके अलावा और लड़कों में इंटरेस्ट भी दिखाएगी। ये सबसे बड़ा साइन होता है कि अगर कोई इंसान किसी को लेकर लॉयल नहीं होता या उस रिश्ते में ईमानदार नहीं होता या फिर टाइम पास का रिश्ता होता है, तो क्या उस अपने पार्टनर के अलावा और लड़के भी या और जो इंसान होते हैं वो भी उन्हें पसंद आते हैं। तो सेम ये चीज़ अगर लड़की कर रही है या आपकी पार्टनर कर रही है कि आपके साथ तो वो फ्लर्ट करती है, जैसे हंसी मजाक करना हो गया, डीप कन्वर्सेशन करना हो गया, बातचीत करना हो, आपके साथ वक्त बिताना, लेकिन आपके अलावा और लड़कों में भी उतना ही इंटरेस्ट दिखाती है, उतना ही उनके साथ में एक तरह से घुली मिली रहती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि अक्सर जब कोई इंसान किसी को सच्चा प्यार करता है ना, तो वो औरों के अलावा जो है ना उस इंसान के साथ वक्त बिताना पसंद करता है जिससे वो प्यार करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला साइन है जिससे आपको पता चल सकता है कि लड़की टाइम पास कर रही है। इसके अलावा दूसरा साइन ये है कि आप उसके लिए बिल्कुल भी मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हो गए, प्रायोरिटी नहीं हो गए, ठीक है। क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप उस इंसान के लिए बहुत एक तरह से इम्पॉर्टेंट बन जाते हो, खास इंसान बन जाते हो, ठीक है। आपकी राय जानना, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपकी प्यार आपको प्यार करना, ये चीज़ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर लड़की आपके साथ टाइम पास कर रही है तो आप उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखोगे, आप उसके लिए बिल्कुल भी प्रायोरिटी पर्सन नहीं होगे। तो इससे आप समझ सकते हो, और ये चीज़ जानने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा, जैसे कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है और आप जो है उससे कोई काम बोलो, या क्या तुम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ सकती हो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है या कुछ काम है, तो वो उस चीज़ को टाले कि नहीं यार, अभी मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ, बाद में बात कर लूँगी, ठीक है, या बाद में तुम्हारा काम कर दूँगी, ऐसा कुछ करे, तो आप समझ सकते हो कि आप उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हो। और ये चीज़ें अगर बहुत बार हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो साइन है कि अगर जो है हमेशा आप ही अपनी तरफ से कॉल या मैसेज करते हो तब जाके वो आपकी कॉल अटेंड करती है, आपको रिप्लाई करती है, ठीक है, तो भी आप समझ सकते हो कि वो सिर्फ टाइम पास कर रही है, ठीक है। ऐसा कभी होगा कि हाँ जवाब तो दे देगी, लेकिन वो पहल कभी भी आपके साथ नहीं करेगी, कभी भी अपनी तरफ से आपके साथ कॉल नहीं कर रही है या मैसेज नहीं कर रही है, तो ये सिर्फ टाइम पास वाला प्यार है। इसके अलावा नेक्स्ट साइन ये भी होता है कि अगर कोई लड़की आपके साथ टाइम पास कर रही है तो वो आपके टच में, आपके संपर्क में, यानी कि आपके साथ बात करना तभी पसंद करेगी जब उसे कोई काम होगा या बहुत अर्जेंट कोई बात करनी होगी, ठीक है। मतलब कि अपने मतलब के लिए ही वो आपसे बात करना पसंद करेगी। तो ये चीज़ें सारी आपको नोटिस करनी है जिससे आप समझ सको कि लड़की जो है आपके साथ टाइम पास कर रही है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।